अक्सर हम डेली ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, क्यों ना हम बाहर घूमने चलें, क्यों ना हम साथ खाएं, क्यों ना हम एक दूसरे को समझें। तो इस टाइप की सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? अगर नहीं जानते तो डोंट वरी, मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और वीडियोस आप मिस ना करें। देखिए, हिंदी के सेंटेंस में जब भी ऐसा एक्सप्रेशन देना है, क्यों ना, यानी क्यों ना हम ये करें, क्यों ना हम वो करें, तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर यूज करना है, वाई डोंट प्लस सेंटेंस। यानी सबसे पहले हमें वाई डोंट का यूज करना है, उसके बाद हमें अपना सेंटेंस लगा देना है। देखते हैं एग्जाम्पल। क्यों ना हम बाहर घूमने चलें, वाई डोंट वी गो आउट फॉर अ वॉक, वाई डोंट वी गो आउट फॉर अ वॉक। क्यों ना हम साथ खाएं, वाई डोंट वी ईट टुगेदर। क्यों ना हम एक दूसरे को समझें, वाई डोंट वी अंडरस्टैंड ईच अदर। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, क्यों ना ऐसा किया जाए। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज ये सेंटेंस देखो, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम मुझसे बोलोगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा मम्मी डांटेंगी और कुछ नहीं। गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? देखिए, हिंदी के सेंटेंस में जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए ज्यादा से ज्यादा, तो आपको यूज करना है एट मोस्ट या फिर एट द मोस्ट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगे? वट विल यू डू एट द मोस्ट, वट विल यू डू एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा तुम मुझसे बोलोगे नहीं, एट द मोस्ट यू वॉन्ट टॉक टू मी। ज्यादा से ज्यादा मम्मी डांटेंगी और कुछ नहीं, मॉम विल स्कॉल्ड अस एट मोस्ट एंड नथिंग एल्स। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे मारोगे और क्या कर लोगे? कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। तुम मुझे अच्छे लगते हो, यह किताब मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे बोरिंग लगता है, मुझे आपके बोलने का तरीका अट्रैक्टिव लगता है। तो गाइज आइए देख लेते हैं कि इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं। गाइज इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आई लाइक फॉर्मेशन पुराना हो चुका है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एडवांस इंग्लिश का यूज करेंगे। देखिए, जब भी हमें अपने ओपिनियन या फिर अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करना होता है किसी के सामने, तब हम आई फाइंड का यूज करते हैं। जी हाँ, आई फाइंड का यूज करेंगे। अब रूल देखिए, सबसे पहले आपको आई फाइंड लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो चीज अच्छी लग रही है वो, फिर उसके बाद हमें एडजेक्टिव लगा देना है। ओके, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। तुम मुझे अच्छे लगते हो, आई फाइंड यू इंटरेस्टिंग। यह किताब मुझे अच्छी लगती है, आई फाइंड दिस बुक इंटरेस्टिंग। तुम मुझे दिमाग वाले लगते हो, आई फाइंड यू माइंडफुल। मुझे आपके बोलने का तरीका आकर्षक लगता है, आई फाइंड योर वे ऑफ टॉकिंग अट्रैक्टिव। मुझे वो बोरिंग लगता है। गाइज इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर डेली लाइफ में बोलते हैं। तभी मैं सोचूं वह इतना हंस क्यों रहा है, तभी मैं सोचूं वह तुमसे मिलने क्यों आता था, तभी मैं सोचूं वो इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? देखिए, हिंदी के सेंटेंस में ऐसा एक्सप्रेशन अक्सर आ जाता है, तभी मैं सोचूं, तो आप इसके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वो है नाउ आई गॉट इट। क्या है? नाउ आई गॉट इट। अब इसको यूज कैसे करें, एग्जाम्पल देखिए। तभी मैं सोचूं तुम इतना हंस क्यों रहे हो, नाउ आई गॉट इट, वाई आर यू लाफिंग सो मच। तभी मैं सोचूं वह तुमसे मिलने क्यों आया करता था, नाउ आई गॉट इट, वाई डिड ही यूज टू कम टू मीट यू। तभी मैं सोचूं वो इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी, नाउ आई गॉट इट, वाई शी वॉज टॉकिंग सो स्वीटली। ओके, नाउ इट्स योर टर्न। तभी मैं सोचूं उसने मुझसे ये राज क्यों छुपाया। मैं ही मिला था क्या तुम्हें मजाक करने को, वो ही मिला था क्या शादी करने को, यही दुकान मिली थी क्या जूते खरीदने को। तो गाइज आइए समझ लेते हैं कि इस टाइप के सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे। देखिए, जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना है, मैं ही मिला था क्या तुम्हें, तो आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे, डिड यू फाइंड मी। क्या स्ट्रक्चर है? डिड यू फाइंड मी। अब इसका रूल देखो, सबसे पहले आपको डिड यू फाइंड लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर ओनली लगाना है, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। अब देखिए एग्जाम्पल। मैं ही मिला था क्या तुम्हें मजाक करने को, डिड यू फाइंड मी ओनली टू मेक फन। वो ही मिला था क्या शादी करने को, डिड यू फाइंड हिम ओनली टू टाई अ नोट। यही दुकान मिली थी क्या जूते खरीदने को, डिड यू फाइंड दिस शॉप ओनली टू बाय शूज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, यही किताब मिली थी क्या तुम्हें पढ़ने को। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। वह देखती की देखती रह गई, मैं सोता का सोता रह गया, वो पड़ा का पड़ा रह गया।
सब चले गए, वह गाता का गाता रह गया। तो गाइज क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए, जब भी आपको हिंदी में ऐसा बोलना है कि वह देखता का देखता रह गया, वह सोता का सोता रह गया, तो आपको एक स्ट्रक्चर यूज करना है। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर रिमेंड का यूज करना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। ओके, अब देखिए एग्जांपल। वह देखती की देखती रह गई, शी रिमेंड वॉचिंग। मैं सोता का सोता रह गया, आई रिमेंड स्लीपिंग। वो पड़ा का पड़ा रह गया, ही रिमेंड लाइंग। सब चले गए, वह गाता का गाता रह गया, एवरीवन लेफ्ट, ही रिमेंड सिंगिंग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, पापा दिल्ली चले गए, वह रोता का रोता रह गया। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। उसको डांटने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, वहां से निकलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, पढ़ाई करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? देखिए, जब भी इस तरह के सेंटेंस आपको बोलना है, कोई चारा नहीं था या कोई चारा नहीं है, तो इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे। देयर वॉज नो अदर वे बट, देयर वॉज नो अदर वे। वॉज की जगह पर आप टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज करते रहना है। तो इसको यूज कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको देयर वॉज नो अदर वे बट लगाना है, फिर उसके बाद टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर नाउन भी हो सकता है वहां पे, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, उसको डांटने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, देयर वॉज नो अदर वे बट टू स्कॉल्ड हिम। पढ़ाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है, देयर इज नो अदर वे बट टू स्टडी। अब ये सेंटेंस आप बनाइए। उसके पास कोई चारा नहीं था मुझसे मदद मांगने के अलावा। गाइज अगर आपको कहना है कि वह मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है, वह फंक्शन में जाने के लिए उत्सुक था, मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए उत्सुक हूँ, तो इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? चलिए डोंट वरी, मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें उत्सुक होना ये रिप्रेजेंट हो रहा हो, तो आपको एक स्ट्रक्चर यूज करना है, ईगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या यूज करेंगे? ईगर टू। ईगर टू का मतलब होता है उत्सुक होना। अब एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल समझ जाएंगे। वह मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है, ही इज ईगर टू कैच मी अप, ही इज ईगर टू कैच मी अप। वह फंक्शन में आने के लिए उत्सुक था, ही वॉज ईगर टू अटेंड द फंक्शन। मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए उत्सुक हूँ, आई एम ईगर टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। गाइज अब एक सेंटेंस आप बनाइए। क्या तुम वहां जाने के लिए उत्सुक हो? कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज रोज हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, मैं मोबाइल लिए हुए नहीं हूँ, वह पैसे लिए हुए नहीं है, क्या तुम गाड़ी लिए हुए हो? ये लिए हुए हो, इसके लिए इंग्लिश क्या बनाओगे? बड़े कंफ्यूज होना ये सेंटेंस बनाने के लिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना है कि कोई भी चीज लिए हुए है ऐसा एक्सप्रेशन देना है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, हैविंग लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। बहुत ही सिंपल है। इसको बनाने का सिंपल सा रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद हैविंग, फिर नाउन। अब फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। मैं मोबाइल लिए हुए नहीं हूँ, आई एम नॉट हैविंग मोबाइल। क्या तुम गाड़ी लिए हुए हो? आर यू हैविंग अ कार। वो पैसे लिए हुए नहीं है, ही इज नॉट हैविंग मनी। गाइज ये सेंटेंस आप बनाइए। क्या तुम मेरा सामान लिए हुए हो? कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज इस तरह के सेंटेंस हम डेली लाइफ में अक्सर बोलते रहते हैं। मैं ऐसे ही तो बोलता हूँ, वो ऐसे ही तो गाती है, वो ऐसे ही बाइक चलाता है। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर आपको काम करने का तरीका बताना है, यानी ऐसे ही तो करता है, यानी कि ऐसे ही तो, इसके लिए हम क्या यूज करें? इसके लिए हम यूज करते हैं दैट्स हाउ। क्या यूज करेंगे? दैट्स हाउ। एग्जाम्पल देखो, मैं ऐसे ही तो बोलता हूँ, दैट्स हाउ आई स्पीक। वो ऐसे ही तो गाती है, That's how she sings. क्या वो इसी तरह सोती है? अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लानी है, फिर दैट का यूज करना है, फिर हाउ। इज दैट हाउ शी स्लीप्स। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आप बनाइए। क्या वो ऐसे ही तुमसे बात करता है? कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। ऐसी और वीडियोज पाने के लिए प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।